SDPI की सिस्टर ब्रांच वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज हम यहाँ पर गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, जिसका हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये वो हक है जो हमने हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे स्ट्रगल के बाद हासिल किया है। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, ये बोलते हुए हमें बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं जो जुडिशरी सिस्टम है आज, उसमें जो हमारा यकीन है वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो गया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुजरिम जिन्होंने जुर्म किया और उसका प्रूफ होने के बाद भी उनको रिलीज़ कर दिया गया, और हम इस बात का प्रोटेस्ट करने आए हैं कि आखिर सफूरा जारगर, जो एक PhD स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया, जबकि उन पर अभी तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे जामिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहाइंड द बार्स कर दिए गए हैं, पुलिस ने उनको उठा लिया है। उनमें से बहुत से ऐसे मासूम हैं और उनके घर वाले जो हैं वो ब्लाइंडली बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस बिना पे इन बच्चों को उठाया गया है। तो हमारी एक गुहार है इस मुल्क की जुडिशरी सिस्टम से, हमारी एक अपील है इस मुल्क के चलाने वाली गवर्नमेंट से, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। देखिए, हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह की वारदातें होती रहीं कि बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने एक हक का इस्तेमाल किया और उनको बिहाइंड द बार्स कर दिया गया, तो हमारे आने वाला फ्यूचर क्या रह जाएगा। तो देखिए, ये पढ़े लिखे बच्चे थे, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर होता, और ये वो बच्चे हैं जो अपनी कंट्री के लिए लॉरल्स लेके आएंगे, ये वो बच्चे हैं जो अपनी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असासा है, ये इसी नेशन के बच्चे हैं, इसी मिट्टी के बच्चे हैं। और हमारी एक गुहार है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को रिलीज़ किया जाए। गवर्नमेंट और जुडिशरी प्लीज़ इनकी तरफ जो है तवज्जो दे, ग्रेव कंसर्न शो करें, क्योंकि अभी तक कोई भी जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो साबित नहीं हुआ है, और अगर साबित भी होता है तो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम में, हमारा जो लीगल एक प्रोसेस है, उसमें ये प्रोविज़न है कि ये बच्चे जो है उन्हें बेल दे देनी चाहिए। आज इसी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, और हम कहीं ना कहीं अपने जुडिशरी सिस्टम से भी बहुत होप रखते हैं कि हमारी ये कोशिशें जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी हम ये वापस हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि प्लीज़ गवर्नमेंट जो है और जुडिशरी सिस्टम जो है वो इस मामले में कंसर्न शो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की प्रेजिडेंट रहाना बेगम बोल रही हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक पीसफुली प्रोटेस्ट सफरा जारगर के लिए कर रहे हैं, जो इंडिया डेमोक्रेटिक में जो अपने हक की एक आवाज़ उठाई थी, स्टूडेंट जो जामिया मिलिया की स्टूडेंट हैं, MPhil कर रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। उनके ऊपर UPA का केस लगाकर उन्हें तिहाड़ जेल में 3 महीनों से रखा गया है। तो आज उनके खिलाफ़ हम लोग सब यहाँ पर कानून के खिलाफ हम खड़े हुए हैं कि सफूरा जरगर को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इस मौके पर उन्हें ना कोई अच्छा ट्रीटमेंट मुहैया हो रहा है, ना जो है ना उन्हें एक पौष्टिक ग़िज़ा दी जा रही है, जो इस दौर में उन्हें चाहिए, उन्हें ज़रूरत है। तो हम ये दिल्ली में जो दंगों में जो अरेस्ट हुए हैं हमारे नौजवान स्टूडेंट्स, उनके सबके लिए हम अपील करते हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए, और सफूरा जरगर को भी रिलीज़ किया जाए। जैसे अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को चार्जशीट से नाम निकाला गया, लेकिन सफूरा जरगर के ऊपर UPA का केस दायर कर 59 के तरह FIR दायर हुई है। तो उन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है इस मौके पर, जहां आज देश हमारा COVID-19 की तरफ से जो है ना, महामारी की तरफ से जूझ रहा है। ऐसी हालात में उन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महामारी के मामले में उन्हें जेल में रखना ख़तरे से खाली नहीं, उनके लिए और उनके बच्चे की जान के लिए ये ज़रूरी है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो है ना रिलीज़ किया जाए।